मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए Amazon PPC की सेकंड एपिसोड के साथ आया हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी ऑटो कैंपेन्स, जो तीन ऑटो कैंपेन्स हमने एपिसोड वन में आपको बताया था कि आप क्रिएट करेंगे सजेस्टेड बिट के ऊपर, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एपिसोड वन की कुछ चीजें रिवाइज कर दूं ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो जाए और आपको यहीं से कॉन्टिन्यूटी मिल जाए। तो सबसे कुछ अहम अहम बातें जो एपिसोड वन की थी वो ये कि आपके लिए तीन चीजें आपकी पीपीसी के लिए प्री रिक्विजिट्स हैं, बहुत ज्यादा अहम है, और इन तीन चीजों को फुलफिल किए बगैर आपकी पीपीसी आपको डिलीवर कभी नहीं करेगी। नंबर वन, आपने मैक्सिमम कीवर्ड यूज करके, अपनी प्रोडक्ट से मैक्सिमम रेलिवेंट कीवर्ड यूज करके उसके टाइटल में, उसके बुलेट पॉइंट्स में, उसके डिस्क्रिप्शन में, उसके सर्च टर्म्स में और अपनी इमेजेस के नेम्स के अंदर, ये इन जगहों पे यूज करके मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स का डेटा उसको बेस्ट ऑप्टिमाइज करना है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एट इट्स बेस्ट करनी है आपने पीपीसी के रिजल्ट्स को बेहतर से बेहतर हासिल करने के लिए। सेकेंडली, आपने आपकी जो मेन इमेज है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है आपने, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि जब इंप्रेशन आता है और क्लिक जब कस्टमर करता है तो वो आपकी मेन इमेज को देख के करता है। तो आपने उसको बहुत बेहतर बनाना है और आपने ये जरूर देखना है कि वो मेन इमेज आपकी वाइट बैकग्राउंड जो है उस पे हो और उसका 80% वो इमेज यूज कर रही हो। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज योर प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बेस्ट तो ये सिनेरियो है कि जब आप लॉन्चिंग करें तो उसको ब्रेक इवन पे करें, वरना मैक्सिमम आप उसको $1 या £1 के प्रॉफिट से ज्यादा आप उसको लॉन्चिंग प्राइस मत रखें। ओके, तो अब आगे हम चलते हैं। हमने क्या किया पहली एपिसोड की, पीपीसी की पहली एपिसोड में हमने तीन एक जैसी कैंपेन्स ऑटो की क्रिएट की सजेस्टेड बिड के ऊपर, और हमने उनको एक वीक तक उनको चलते रहने दिया, या एटलीस्ट 10 दिन तक। अब क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें ऑटो कैंपेन चलाने के बाद डेली चेक करनी है? जी हाँ, बिल्कुल है। आप अपनी कैंपेन के अंदर जाएंगे, हर कैंपेन, तीनों कैंपेन के अंदर वन बाय वन जाएंगे, उसके अंदर जब आप जाएंगे तो नीचे उसका एड ग्रुप आ रहा होगा, आप उस एड ग्रुप को क्लिक करेंगे। एड ग्रुप के जाने के बाद जब आप एड ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आपके लेफ्ट टॉप पे टारगेटिंग लिखा आ रहा होगा। आप टारगेटिंग में जब जाएंगे तो आपने वहां पे जाके देखना, आपको चार ऑप्शन आ रही होंगी, ठीक है, जिसमें क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, ये चार चीजें आ रही होंगी। आपने क्लोज मैच और लूज मैच की बिड को डेली बेसिस पे एक या दो दफा चेक करके सजेस्टेड क्लिक करना है। सम टाइम्स वो ज्यादा हो जाती है सजेस्टेड जो आपकी बिड थी ऑलरेडी, और सम टाइम वो कम हो जाती है, क्योंकि Amazon कीप्स ऑन चेंजिंग सजेस्टेड बिड फॉर एवरी मैच। तो क्लोज मैच और लूज मैच, इन दोनों की सजेस्टेड बिड को आपने दिन में एक या दो दफा चेक करके अप्लाई करके सजेस्टेड कर देना है। ये वो काम है जो एक हफ्ते तक आपने या 10 दिन तक करते रहना, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। ओके, एक हफ्ते से 10 दिन गुजर गया, अब आपने कुछ नहीं किया, 10 दिन बाद क्या आपने करना है? आपने ये करना है कि आपने एक तो सबसे पहले जाकर अपनी कैंपेन के अंदर जाएंगे, जैसे ही आप अपनी कैंपेन को क्लिक करेंगे तो आपके लेफ्ट पे आ रहा होगा प्लेसमेंट्स। अब आपने एड ग्रुप के अंदर नहीं जाना, आपने पहले ही लेफ्ट पे ऊपर टॉप पे देखना है, प्लेसमेंट्स लिखा आ रहा होगा। आपने प्लेसमेंट्स में जाके आपकी तीन ऑप्शन आ रही होंगी वहां पे, एक होगा टॉप ऑफ सर्च, एक आ रहा होगा आपका प्रोडक्ट पेजेस, और तीसरी आपकी आ रही होगी अदर सर्च रिजल्ट्स। आपने टॉप ऑफ पेज के आगे परसेंटेज का साइन होगा और खाली जगह होगी, वहां पे आपने 25% कर देना है और प्रोडक्ट पेजेस पे भी 25% कर देना है। अच्छा, अब ये क्या है, ये मैं क्या करवा रहा हूं? बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो टारगेटिंग थी क्लोज मैच की, लूज मैच की, जो भी हमारी सजेस्टेड बिट चल रही है हमारी कैंपेन्स की, हम ये कहते हैं कि वो जब टॉप ऑफ पेज वन पे जो आपके चार स्पॉन्सर्ड आ रहे होते हैं, अगर हमारी सजेस्टेड बिट का प्लस 25%, यानी फॉर एग्जाम्पल हमारी सजेस्टेड बिट जो हमने रखी है वो £1 है या $1 है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर 1.25 तक भी Amazon requires पर क्लिक अमाउंट तो हमें वो शो करे टॉप ऑफ सर्च के ऊपर, लेकिन अगर वो 1.26 या 1.30 आता है तो हमें मत दिखाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब कंपेन्स क्रिएट की थी तो हमने जो डायनामिक बिड स्ट्रेटेजी डाउन चूज की थी वो डाउन ओनली की थी। डाउन ओनली क्या होता है डायनामिक बिड स्ट्रेटेजी,
कि आपकी जो बिड आप रख रहे हैं अमेजोन पे उससे ऊपर अगर बिड रेट अमेजोन का उस कैंपेन का चल रहा है तो अमेजोन उसको ना दिखाए, हम उससे ज्यादा पे नहीं करेंगे, हम उसके अंदर या उससे कम पे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम प्लेसमेंट्स में जाके टॉप ऑफ सर्च को और प्रोडक्ट पेजेस दोनों को 25% कर देते हैं। अच्छा, अब आपने मजीद एक वीक तक इसको चलते रहने देना है ऑटो कैंपेन्स को, और डेली वही आपने सजेस्टेड को चेक करते रहना। अच्छा, अब आप ये देखेंगे एक वीक के बाद, ये मैं अब तीनों ऑटो कैंपेन्स आपकी ट्यून करवा रहा हूं। ठीक है, मजीद एक वीक या पांच दिन बाद या दस दिन बाद आपने ये देखना है कि अब आपके कौन से रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं। अच्छा, पहले आप जाएंगे एड ग्रुप के अंदर टारगेटिंग में, टारगेटिंग में जाके आपने देखना है क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, चारों के अंदर जो आपका बेहतर परफॉर्म करे। और आपने हमेशा ये याद रखी है, आपने इन रिजल्ट्स को चेक करने के लिए अपनी कंपेन का जो पीरियड है वो लाइफ टाइम सेलेक्ट करना। ठीक है, तो आपने अब ये देखना है कि कौन से ऐसे टारगेटिंग हैं, क्लोज मैच है, लूज मैच है, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जो सबसे बेहतर एक ऑस है, जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका सीटीआर सबसे बेहतर है। इसमें एक सीटीआर की ऑप्शन भी आ रही होगी, क्लिक थ्रू रेट। नाउ सीटीआर क्या होता है, सीटीआर ये होता है कि कितनी दफा अमेजोन ने आपके इंप्रेशन दिखाए अमेजोन प्रोडक्ट पेजेस पे और उसको कितनी दफा क्लिक किया गया। ठीक है, तो आइडियल सीटीआर इज बियॉन्ड 1.20। ठीक है, वो सीटीआर भी आपने देखना है। और एक और चीज आपको बता दूं, प्लेसमेंट्स में जाएं या टारगेटिंग में जाएं या मेन कैंपेन में जाएं, कहीं भी कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आपने कॉलम्स पे क्लिक करना है, कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना है, और आपने उसमें एकॉस, सीटीआर, नंबर ऑफ क्लिक्स और इंप्रेशंस, ठीक है, और ये चार बहुत अहम चीजें हैं जो आपने चेक करनी है हर दफा, और ये आपको आपकी कैंपेन के बारे में बताएंगे कि वो ठीक है या नहीं है। एकॉस के बारे में एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स। एकॉस क्या होता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल, ये किसी भी कैंपेन को जज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है और सबसे बेहतर चीज है जो आप देखेंगे, आपको जो जज करती है कि आपकी कंपेन बेहतर ऑप्टिमाइज है, बेहतर डिलीवर कर रही है या नहीं। एकॉस स्टैंड फॉर एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये क्या है कि कितने आपके पैसे लगे और उन पैसों के अगेंस्ट कितने आपको सेल्स मिली हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर $20 स्पेंड किया और आपको $100 की सेल्स मिली हैं, ठीक है, तो आपकी एकॉस इज 20%, विच इज आइडियल एकॉस। अंडर 20% एकॉस बहुत अच्छी है। अगर आपकी $50 स्पेंड हुआ और $100 की सेल्स आई है तो ये एकॉस इज 50%। अगर आपके $100 स्पेंड हुए और $100 आपकी सेल्स हैं तो आपकी एकॉस इज 100%। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि शुरू में जब आप ऑटो कैंपेन्स तीनों चलाएंगे पहले 10-15 दिन, तो आपकी एकॉस बहुत बुरी भी हो सकती है, तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि वो स्टार्ट है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्लेसमेंट्स को और टारगेटिंग को बेहतर करेंगे, अच्छा आपने उसको बेहतर कैसे करना है, प्लेसमेंट्स को और टारगेटिंग में जाके क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स को, और टॉप ऑफ प्रोडक्ट की जो परसेंटेज आपने 25 सेट की थी और अदर प्रोडक्ट्स की, ये आप सेट इस तरह करेंगे कि जिसमें आपकी ये कॉस्ट बेहतर है यानी कम है, आपकी सेल्स अच्छी हो रही है, आपको सेल्स मिल रही है, उसकी आप परसेंटेज या उसकी आप बिड रेट वो बढ़ा दें, और जिसमें कम मिल रही है उसको आप और कम कर दें। ठीक है, जिसमें बेहतर नहीं है एकॉस आपकी, ज्यादा है एकॉस, या जिसमें आपको सेल्स नहीं मिल रही है, सिर्फ इंप्रेशन और क्लिक्स मिल रहे हैं, तो आप उसको कम कर देंगे उसकी परसेंटेज को या उसके बिड रेट को। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ट्यून करके आप ऑटो कैंपेन्स को बेहतर करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन ऑटो कैंपेन्स से अपनी मैनुअल कैंपेन्स की तरफ जाएंगे। देखिए, हम ऑटो कैंपेन्स को सबसे पहले इसलिए बेहतर कर रहे हैं कि ऑटो कैंपेन इज लाइक अ रिवर, लाइक अ स्ट्रीम। ठीक है, इसको पहले आप मैनेज करना सीखें, इससे अपने रिजल्ट्स को जनरेट करें। और मैनुअल कैंपेन्स आर लाइक अ सी, एक समंदर की तरह है जो कि बहुत वाइड रेंज है, उसमें हम टाइम भी ज्यादा स्पेंड करेंगे और वन बाय वन मैं वो चीजें आपको बताऊंगा, बट यू नीड टू लर्न द ऑटो कैंपेन्स फर्स्ट। तो प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मैंने मिस किया है, यू वांट टू फाइंड इट आउट, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।